मौसम एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। गोरखपुर में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। ठंड भी बढ़ेगी। सोमवार को गोरखपुर में दिन की शुरुआत कोहरे से हुई है। सूर्यदेव समय से निकले लेकिन करीब 10 बजे तक कोहरे का असर दिखा। दिन में धूप की वजह से सर्दी कम रही लेकिन शाम को ठंड ने अपना असर दिखाया। इस साल का ठंड खूब कपकपाती और घना कोहरा भी पड़ेगा, ऐसा अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत संचालित क्लाइमेट सेल ने भी भीषण ठंड और घने कोहरे की आशंका जताई है। इसे देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन ने अलग अलग विभागों को अलर्ट जारी किया है। संबंधित विभागों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ठंड और कोहरे से बचाव के सभी कार्यों को संचालित किया जाए, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। देखिए, जैसा कि IMD द्वारा पहले भी सूचनाएं जारी की गई हैं कि इस बार कड़ाके की शीतलहरी रहेगी, उसकी दशा में सभी तहसीलों को 50,000 रुपये हम लोगों ने आवंटित कर दिया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी तहसीलों को 50,000 रुपये आवंटित कर दिया गया है। साथ ही कंबल क्रय की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 8,000 कंबल आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा तहसीलों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लगातार वितरण भी हो रहा है। और जैसा कि शासन का निर्देश है, सभी जो भी वितरण हो रहे हैं वो राहत पोर्टल पर उसको अंकित भी किया जा रहा है। तो तहसीलों में और साथ ही साथ इस समय जनपद में 19 जगहों पर रैन बसेरे संचालित है, जिसमें 13 स्थायी रूप से और बाकी 6 जो है अस्थायी रूप से रैन बसेरे संचालित हैं, जिसमें लोग ठहर रहे हैं और कोविड नियमों के अंतर्गत उसका पालन भी किया जा रहा है, ताकि जो भी वहाँ पर आगंतुक आएँ वो सभी आगंतुकों को हम लोग समुचित व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। देखिए, जहाँ भी अभी पूरे जनपद में 164 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे जिला प्रशासन और नगर निगम और अन्य संस्थाओं के माध्यम से अलाव की व्यवस्था की गई है। और ये सभी तहसीलों को निर्देश दिया जा चुका है, विभागों को भी निर्देश दिया जा चुका है कि वे लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहें, और जहाँ कहीं अन्य स्थलों पर भी अगर अलाव जलाने की आवश्यकता है तो वहाँ पर भी वे अलाव की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें। देखिए, अब शीतलहर प्रारंभ है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था और जो हमारे ऑफिस में जो एक आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो हमारा क्लाइमेट सेल है उसने जो अध्ययन किया था, तो उस अनुसार शीतलहर प्रारंभ हो जाएगा। तो उसकी दशा में अभी हम लोगों ने अन्य डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है और एक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक संपूर्ण निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं, ताकि वे शीतलहर के दृष्टिगत कार्य अपने स्तर से प्रारंभ करें। जहाँ कहीं भी निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर संकेतक जरूर लगाएं, जहाँ पर गड्ढे हो या कहीं हो, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। इस तरह के समाज बहुत से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका डिपार्टमेंट उसका पालन भी सुनिश्चित कर रहे हैं।